गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मोस्टली टाइम ऐसा होता है कि मेरा व्लॉगिंग किचन से ही स्टार्ट होता है, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम तक किचन में ही रहती हूँ, कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। तो अभी हो रहा है लंच टाइम और हम बनाने जा रहे हैं लस्सी। तो यशविका है पीने का मन लस्सी, और मैंने थोड़ी घर में ही दही जमाई है ये, दिस इज। तो लस्सी बनाते हैं और यशवी को लस्सी देते हैं। यशवी लस्सी पियोगी? पियोगी लस्सी? लस्सी हाँ लस्सी पियोगे? उसके बर्फ भी डाल देना। ठीक ओके, देखो डिमांड कैसे आ रही है, बर्फ भी डाल देना। तो चलिए गाइस लस्सी बनाते हैं और उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। सो ये बन चुकी हमारी लस्सी एंड, और अब यशवी की फरमाइश पे लस्सी में बर्फ डाली जाए। बर्फ ठीक हो जाएगा। रुक जाओ यशवी, बर्फ में मम्मी ने देखा उसके अंदर? नहीं उसके अंदर नहीं, आप इसके अंदर देखो, ये वाली आपकी। रुक जाओ हमें उसे चम्मच से। चलो लस्सी पीने, लस्सी पीने चलो 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 चलो। मजा आया? पी के देखो। अच्छी लग रही है। अच्छी लग रही है। हाँ, मुझे श्री छोटे बेबी के बिस्तर मत सो। क्या कर रहे हो आप? बेबी को प्यार कर रहे हो? कैसे करते हैं प्यार? अरे हम खाया क्या मारते हैं? मम्मी को ही भूख लग गई। यशु छोटे बेबी को बहुत प्यार करता है ना? मैं कैसे करूं? हाँ? केयर से रखोगे? कैसे करते हैं केयर? रोता नहीं है ना? हाँ। रो क्यों रही हो? मम्मी ये रो क्यों रही है? रो क्यों रही है? पता नहीं क्यों रो रही है। मुखाग्नि रजायता वनस्पति रसूधूपो गंधारो गंधुक्तम आग्रे शुद्धि होती है, अर्ध शुद्धि, आधा शुद्धि हो गई। अच्छा फुल पूरी शुद्धि है, पूर्ण शुद्धि? पूर्ण शुद्धि। हां पूर्ण शुद्धि 21 दिन में। 21 दिन में भाभी वीडियो कल दिन देखियो तो पंडित जी किस में होते सौ में ना कुछ है ना? हां पर दिन देखना पड़ता है पंचा। हाँ नहीं कोई 21 दिन करता है, तब मैं तो 21 दिन छोड़ गया तो सवा महीने में ऐसा होता है। दिन नहीं देखते? जिंदा नहीं देखते? भार जन्म जत्र जायते पुरुषम मानि देवी जिनावन्यः ओम बालकस्यः श्रुतक निवृत्तिते हिदुभिः ओम जयन्ते मंगलाकारी भद्रकाली कपाली दुर्गा क्षमा शिवा स्वास्थ्य दादे त्वं देव। ऐसा जिमी साथाय नमः स्वाहा। मिर्ची लग गई। देश की ज्येष्ठाय नमः स्वाहा। असार की पूर्व असाढ़ाय नमः स्वाहा। भाद्रपद की पूर्व भाद्रपदे नमः स्वाहा। असूज की अश्विनी नमः स्वाहा। सो गाइस यहाँ पर देखो रुद्रांश ने सुसु पॉटी करके अपना दूध पी लिया, सो गया आराम से, है ना रुद्रांश? ने कर लिया। सो अभी थोड़ी देर पहले ही हवन हुआ है और उसके बाद हम लोगों ने नाश्ता करा। नाश्ता करने में बहुत देर हो गई थी, बस मैं अभी रुद्रांश के पास बैठी हुई हूँ और यशवी वहाँ लगी हुई। देखो कितने यहाँ देखो दोनों बॉल के पीछे पड़े नहीं निकल रही, नहीं निकल रही। बीन्स हो रखी यहाँ पे, दिख रही है बीन्स? ये दिख रही है कितनी बीन्स हो रखी यहाँ पे बहुत सारी। वो तो है ही, कहाँ बना, कहाँ निकालता मेरे को। ये देखो
यशो क्या कर रहे हो आप? बेबी को चुप करा रहे थे आप, हैं? दिखाओ कहाँ पे चुप करा रहे हो? ये देखो दोनों भाई बहन कैसे बैठे हुए हैं। आप आराम से ख्याल रख रहे थे, देख रहे थे आप? ओ मेरा बच्चा, किस कर दो, आ जाने, उठाओ नहीं उसको, यशो उठाना नहीं बेटा, किस कर दो आप, बस किस कर दो आप, उसके हैंड में किस कर दो। नहीं कुछ नहीं करा उसने, सुसु भी नहीं करी, किसे चेक कर रही, सुसु तो नहीं करी। बीचू यार तू भी तो आ जाएगा पापा के पास। यहाँ देखो रात के 11 बजे भी सैर सपाटा ही चल रहा है हम लोगों का, है ना यशवी? यशवी नहीं नहीं 10:30 होने वाले, 11 बजे आने वाले, ये लगा लो। बट मजा आ रहा है, इतनी अच्छी हवा चल रही है ना रात में, ठंडी ठंडी हवा चल रही है ना। फी? नहीं कुछ भी नहीं खा रही आज, ले इस पे रखेगा। मजा आ रहा है? हाँ मजा आ रहा है कुल्फी खाने में। सो गाइस हम लोग आ गए हैं कुल्फी खाने, और आज बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा। आज का टेम्परेचर है 38 डिग्री, है ना यशवी? गर्मी लग रही है आपको? मेरे को भी टेस्ट करा दो। अभी रॉम इतनी नालायक लड़की है ना, बिल्कुल टेस्ट नहीं कराती है। आपका 2 है ना? सो गाइज ये हमारा बादाम शेक, मजा आ गया। नहीं आपको भी बैठ के खाना है, हम खाएंगे बैठ के। सो गाइज आज घर में बनी है खीर, और हम फ्राइडे को खीर बना रहे हैं और टेस्ट करते हैं। ये देखो रात के 12 बजे भी स्लेटे तो चैन नहीं है, और इस पापा काम करते हुए। पूनम यार ये मैं तो ये पी ही नहीं है। संदीप पतले होने के लिए क्या पी रहे हो? संदीप बता दो सबको, हो रहे तुम इससे पतले? पता तो मैं कल से हूँ बेटा, देख। अच्छा इतने देते इतने किसे इतने देते इतने देते। अच्छा चलो व्लॉग का एंड करें। हाँ व्लॉग का एंड करें। नो नो अभी और करने व्लॉगिंग। सो गाइज हमने यहाँ पर ये मोटा सा कंबल ले रखा है इतनी गर्मी में। आज का जो टेम्परेचर था वो 38 डिग्री सेल्सियस था, और अभी एसी चल रहा है। एसी में मजा आता है कंबल ओढ़ने का, एक पैर थोड़ा सा बाहर हो, मस्त एकदम ठंडा ठंडा कंबल में, नहीं जब मतलब ठंडी ठंडी हवा आ रही हो पंखे की भी चाहे किसी की भी, और एक पैर थोड़ा सा बाहर हो और एक पूरे पूरी बॉडी अंदर हो, तब मजा आता है। और गहरी नींद आती है, आप उठ ही नहीं सकते फिर आपको और मन नहीं करता एक्सरसाइज करने का, फिर आप और आलसी हो जाते हो, फिर ऐसे मोटे हो जाते हो ना? चल चल फिर ऐसे ऐसे चर्बी निकलने लग जाती है। कल से रनिंग करनी है, हट जा चल। ये बंदा ऐसा है जो रोज बोलता है कल से रनिंग करूंगा, पहले खिसकते ही नहीं बैठते। मैं भी करूंगी रनिंग। ठीक है कल से सुबह हम चलेंगे। तो चलिए गाइस मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे, बाय गुड नाइट नेक्स्ट व्लॉग में। तो चलिए अभी ऐसे ये सब करना थोड़ा ना भूलेगी।